रानी का हार रस्म का ब्लॉग हम आप लोग को देंगे और आप लोग भी देखिए और इंजॉय कीजिए। क्या रानी? कैसे हैं आप सब? आई हो कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं, हमारे बगल में शादी है तो उसमें हम जा रहे हैं। आज हल्दी कुटाई है। तो फ्रेंड्स, हमारी बेटी की बचपन की दोस्त है जो दोनों साथ में खेला करती थी, तो आज उसकी शादी है, आज शादी का हल्दी कुटाई है। तो फ्रेंड्स, उसी में हम जा रहे हैं और चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो रानी के हर फंक्शन में हमको जाना है और हर फंक्शन में ब्लॉग बनेगा, तो आप लोग भी देखिएगा। और वो बेटी की बचपन की दोस्त है, साथ में दोनों खेली है, पढ़ी है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हम भी तैयार हैं जाने के लिए। तो अभी संगीत शुरू हो गया है, आज है हल्दी कुटाई है तो आज भी गाना वाना सब हो रहा है। तो चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पे संगीत शुरू हो गया है, सब लोग आ गए हैं। कितना ज्यादा अच्छा जी, दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं ना। अब आप क्या बनने जा रहे हैं? दादी सास? ददिया सास। अब ददिया सास बनने जा रहे हैं। यहाँ बैठी है भाभी। Thank you.
क्या कुछ कर रहे हैं? बताइए ना, आप बताइए तो मुझे रीनू से पूछिए, रीनू से आप ब्लॉग बना रही है क्या? ब्लॉग लिखने वाले को फायदा हो जाएगा, आप अपने ब्लॉग बना लीजिए ना। बोलिए क्या चीज करने के लिए आप उठे थे ना? सही थी कि नहीं? चीटी ना आता है तो देखिए कहीं इधर का खराब हो चुके घर ¡Suscríbete al canal!
रस्म होता है ना, आज हल्दी कुटाई का रस्म हो रहा है, तो रानी तो बहुत खुश खुश नजर आ रही है। देखिए रानी खुश खुश नजर आ रही है, बहुत खुश है ना रानी। हुँ? इसका मनपसंद हस्बैंड मिले हैं तो खुश तो नजर आना ही चाहिए ना, इसको नहीं करेंगे। अरे कितनी अच्छी लग रही है बताओ। रानी का हर रस्म का ब्लॉग हम आप लोग को देंगे और आप लोग भी देखिए और इंजॉय कीजिए, क्या रानी? यस है रानी की भाभी, तो रानी की भाभी भी हैं, तो ये भी खूब इंजॉय कर रही हैं और हम लोग डांस नहीं कर रही हैं लेकिन जबरदस्ती करवा रहे हैं डांस। मैक्स को दिखाइए आंटी। पहले बोल मैक्स है, इधर है मैक्सू। मैक्सू सोया हुआ है, मैक्सू सोया हुआ है इनको लेकर डांस कराने के लिए। तो भोजपुरी गान मतलब गीत हो रहा है, तो गीत हो रहा है तो गीत पे इसको पता ही नहीं चल रहा है कैसे डांस करना है, डांस भी नहीं कर पा रही है बेचारी। तो गाना होगा जिस दिन, संगीत होगा मेहंदी के दिन, तो खूब करेगी रानी डांस, बहुत डांस करेंगे, करेगी ना, स्टेज तोड़ देंगे डांस। हाँ स्टेज तोड़ डांस करेंगे ना। हाँ तो आज रानी बहुत खुश है, बस हम लोग को इसी बात की खुशी है कि रानी बहुत खुश है ना। बिल्कुल, बस इसका मनपसंद के हस्बैंड है तो और भी खुश ज्यादा। Thank you.
आता, जुई रहती तो बहुत मजा आता, लेकिन अभी जुई है नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत जोड़ों का सॉन्ग चल रहा था, तो यहाँ पे रानी की मामी आई हुई हैं, तो रानी की मामी मेरे से बात कर रही थी और यहाँ रानी बोल रही थी हमको कि मत जाइए आंटी अभी, और अपनी ब्यूटीफुल मामी से मिला रही थी, तो वही मामी मिल रही थी और यहाँ रानी बहुत खुश है, तो रानी बोल रही थी आंटी मत जाइए अभी रहिए, तो मेरे को काम था तो आना ही पड़ा। तो जूही नहीं थी तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो जूही को बहुत याद कर रही थी और बोल रही थी कि जूही रहती तो हमको बहुत अच्छा लगता। तो उसकी मामी से भी थोड़ी देर बात हुई, उसकी मामी भी बात कर रही थी तो जूही के बारे में पूछ रही थी, तो बस यही सब गपशप चल रहा था। यहाँ बहुत जोड़ों का सॉन्ग चल रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत जोड़ों का सॉन्ग चल रहा था तो हमें वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पे हमारी कुछ बातें हो रही थी और रानी भी बात कर रही थी, तो जूही के बारे में ही बात हो रहा था। तो फ्रेंड्स वही रानी बोल रही थी, रानी आप लोगों को बाय बाय कर रही थी और बोल रही थी कि आप लोग सारे जितने भी शादी के रश्म होंगे, सभी हम घर पे आ गए हैं और आज का फंक्शन खत्म हो गया, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट से आप जरूर बताइएगा, आशीर्वाद, और ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सारा शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अभी ब्लॉग बहुत अच्छा अच्छा आने वाला है, तो ब्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय महाकाल, राधे राधे।